हाई स्टूडेंट्स हेलो एवरीबडी एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू हाई तो यार थोड़ा स्मार्ट स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया आई वॉन्टेड टू टेक दिस ऑन स्मार्ट्री स्क्रीन सेल्फ बट एनी वेज़ कोई बात नहीं अब मैं आ चुकी हूँ तो अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं बस फटाफट से ये बता दो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ ऑल ऑफ़ यू हाय कीर्ति हाय अशमित हाय राज नंदिनी हाय मिष्ठी हेलो लबीबा हाय रोहित हाय मानसी हाय तरुणा हलो गाइस हाय आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल बेटा आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द डीले व्हिच हैज हैपेंड हाय भूमि हेलो थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीबॉडी थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आस्क एवरी टू जॉइन बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे तो चले गए होंगे ना वेट करके ओ हो हो आई एम सो सॉरी चलो कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए आ तो गए ओके <laughs> okay, तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ देखो इसमें सिलेबस काफ़ी सारा राशनलाइज हो गया है ठीक है सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको काफ़ी सारा सिलेबस जो है राशनलाइज हो चुका है तो न, 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 वैसे तो सिलेबस रैशनलाइज हो गया लेकिन पिछले कई सालों से ना इस पर क्वेश्चन नहीं आए हैं बिकॉज ये सी बी एस ई के अंदर भी पहले क्या हुआ करता था ये चैप्टर सिर्फ मिड मतलब आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता था पीरियॉरिक टेस्ट में सी बी एस ई में कभी नहीं पूछा जाता था बट नाउ फ्रॉम दिस ईयर ओनली सी बी एस ई के अंदर ये चैप्टर ऐड हुआ है ठीक है तो हमें कुछ तो नॉलेज चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज इस चैप्टर मतलब काफ़ी सारा डिलीट हो गया पोर्शन फिर भी पढ़ना पड़ेगा सौ uh, बात की एक बात तो ये है <laughs> क्यों पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर वो पार्ट नहीं पढ़ोगे ना तुम तो तुमको चैप्टर समझ नहीं आएगा समझ आया तो लर्न नहीं करना है बट uh, आपको सारी चीज़ें समझनी तो पड़ेंगी ठीक है बट काफ़ी ज़्यादा चैप्टर रिड्यूज हो गया है टू बी वेरी फ्रैंक काफ़ी इजी हो चुका है चैप्टर ओके सो दिस इज़ द लेक्चर वन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन थ्री लेक्चर्स एंड फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कराऊंगी मेंटी क्विज भी कराऊंगी सो डोंट वरी अबाउट इट आई एम रश्मि सिंह योर टीचर टीचिंग यू आर लाइफ फ्रॉम कोटा माई डियर स्टूडेंट्स मैं प्लस वेरीफाइड फायर एजुकेटर हूँ एन अकेडमी पे टू ईयर से पढ़ा रही हूँ वैसे मैं कोटा में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में Uh, काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ एन के लिए भी पढ़ाया मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो ही नोट्स मिलेंगे आई नो आई नो एम नॉट शेयरिंग नोट्स वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ एड क्योंकि मेरे को नोट्स में थोड़े थोड़े से चेंजेस करने हैं एंड वो मैं नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से नहीं भेज पा रही हूँ बट बिफोर थर्टी एथ जून आई एम गोइंग टू सेंड ऑल द नोट्स वट एवर आई हैव टॉट यू ओके टू क्लास नाइन एंड क्लास टेन ऑल्सो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लस और का गो अहेड टेक इट बिकॉज बहुत सारे नए बैचेज आ रहे हैं नए ऑफर्स भी आ रहे हैं तो फिर भाई देर किस बात की है पढ़ाई अगर अच्छी करनी है तो एक अच्छे रिसोर्स से पढ़ना ज़रूरी है इकोनिक में तो एग्जाम एक्सपोर्ट भी रहता है जो तुमको सी बी एस ई के साथ साथ तुम्हारा जो टारगेट एग्जाम है जे ई नीट वॉट एवर इट इज़ उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराता है प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है बच्चों अगर आप ट्वेल्थ मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो विल कॉस्ट यू वन थ्री फोर जीरो रुपीज़ आफ्टर यू यूज़ माई कोड आर एस वाई टी And you use all the coins which you get after uh, joining the live classes, free special classes, okay? And likewise, if you go for a twelve month subscription of Iconic, you just have to pay twenty five hundred rupees per month. And after using my code RSYT and after spending your coins which you earn while attending the special classes, okay? So now let's begin. Good afternoon, everyone. Good afternoon.

so forest basically um tells you about the habitat where these wildlife live wildlife is what the plant community and resource why are we calling it resource because we are quite dependent on forest and wildlife okay we are getting so many uh, things we are utilizing it in everyday from the forest and wildlife that is why we call it a resource okay सो नाउ ट आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं सब कुछ बताने वाली हूं अगर आपके पास बुक है तो प्लीज बुक लेकर आ जाओ और वहां पे मार्क कर लो कि इट विल नॉट बी आज इन सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम क्लियर अशमित तलहा रिया ब्रिंग योर बुक्स एंड मार्क इट बिकॉज एग्जाम के टाइम पे ना फिर आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा चैप्टर है इतना कुछ याद करना है वैसे ही हम प्रेशर में रहते हैं एग्ज़ाम में तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जोग्राफी में सबसे ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है और हर चैप्टर के अंदर आप लिख के रख लो कि हाँ हाँ ये ये चीज़ें जो है ना ये हमें एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा गेट इट समझ आ गया पढ़ना सब है रटना नहीं है सब कुछ येस तला इज़ गिविंग मे अलॉट मैनी हार्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो कीप इट ओके सो गाइज सिलेबस आफ्टर रैशनलाइजेशन इज यू हैव टू स्टडी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा मैं बता देती हूँ एक आपके बुक के अंदर डब्बा है द हिमालन यू इन ट्रबल बॉक्स एक काम करो अभी रहने दो तुम यहाँ से स्टार्ट करो आपको फ्लोराइन फोना टॉपिक मिला बुक के अंदर फ्लोराइन फोना मिला टॉपिक ये बहुत ईजली मिल जाएगा बहुत ईजली मिल जाएगा हाँ अब दिख रहा होगा आई थिंक तो फ्लोरा एंड फोना वाला जो टॉपिक है ना उसके पहले जो भी है वो सब पढ़ना है जहाँ पे ये फ्लोरा फोना टॉपिक दे रखा है उसके जस्ट पहले वाला जो भी है वहाँ पर ऐसे आप मार्क करके लिख दो सी बी एस सी बोर्ड्स सी बी एस सी एग्जाम ठीक है लेट मी शो यू इन द बुक ऑल्सो वाई आई कैन शो यू इन द बुक ऑल्सो ना यार मैं ही बुद्धुओं की तरह एक्ट कर रही हूँ ओके <laughs> okay. सो येस दिस इज़ द चैप्टर राइट सो दिस पार्ट यू ऑल हैव टू स्टडी ये वाला जो पार्ट है ना बेटा ये पूरा आपको स्टडी करना है इसके बाद ये फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया जो है ये पार्ट पूरा का पूरा जहाँ पे आपको इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में बताइए ये डिलीटेड है दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्ड इन योर एग्जाम बट ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रटेंगे नहीं क्योंकि समझ में ये आएगा ना ये वाला पार्ट तभी आप आगे जा करके के लाइक पूरा चैप्टर समझ पाओगे ओके तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिलीटेड फ्लोरा एंड फोर्न कहाँ तक डिलीटेड है वो बताती हूँ पूरा टॉपिक डिलीटेड नहीं है ठीक है एशियाटिक चीता ये सब ये सब सब ये पूरा पेज ठीक है हिमालयन यू इन ट्रबल यहाँ तक डिलीटेड है ठीक है यहाँ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ दिख रहा है सबको यहां तक डिलीटेड है इसके बाद हैबिटेड डिस्ट्रक्शन हंटिंग पोचिंग यहां से वापस आपके एग्जाम में आने वाला है ठीक है सो so दिस यहां से आपको पूरा पढ़ना है समझ आया सबको इट बच्चा इट बच्चा नहीं समझ आया फिर से बताऊंगी यार लेकिन आ... कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है एक बार फिर से बता देती हूँ फिर बचा ही क्या इस चैप्टर में अरे बहुत कुछ बचा है श्री कंजर्वेशन वगैरह बचा है ठीक है हेबिटेड डिस्ट्रक्शन से आपको शुरू करना है देन ये पूरा हैबिटेड डिस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी हमने डिस्ट्रक्शन किया है वो तुमको पहले रियलाइज़ करवाया जाएगा कि भाई हमने कितना 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 हानि पहुंचा दिया है एक्चुअली वो पहुंचाया भी है राइट ये पूरा का पूरा जो भी हमने हैबिटेड डिस्ट्रक्शन किया है बेसिकली द कॉज बिहान डिस्ट्रक्शन जब तुमको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी कि तुमने इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तब तुम उसके कंजर्वेशन पे आओगे तो फिर कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये पढ़ना है ठीक है अभी सारे डब्बे डब्बे भी पढ़ने हैं डब्बों में दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है मैं हमेशा से कहती हूँ फिर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी पढ़ना है एंड देन कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ये भी पढ़ना है गॉट आई होप तुम लोगों ने मार्क कर लिया हो बिकॉज ये मार्क् नहीं करोगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होएगी तुमको समझ आ रहा है फालतू तो में रटते रहोगे रटते रहोगे फालतू तो की चीजें पढ़ते रहोगे सो so, ये तीन पार्ट है और फ्लोरा एंड फाउना वाला हिमालयन यू ट्रबल बॉक्स तक जो है डिलीट हो गया है क्लियर हुआ सबको हां जी रोहित काफी सारा डिलीट हो गया है मैं दिख रही हूं क्या हाँ दिख रही हूं <laughs> ये मार्क कर लो अपने स्कूल में सारे दोस्तों को भी मार्क करा दो और ली... कोई बोले कि किधर से पता चला बोल देना आर एस वाई टी ने बताया है ठीक है और ये सी बी एस की वेबसाइट पे भी है बेटा ऐसा नहीं है कि सी बी एस की वेबसाइट पे नहीं है ठीक है कहाँ पे है एन सी आर टी की वेबसाइट पे जाना एन सी आर टी की वेबसाइट पे टेक्स्ट बुक पे जाना टेक्स्ट बुक पे जब आप जाओगे तो ऊपर ऊपर ही बिल्कुल जोग्राफ़ी के ऊपर ऊपर रैशनलाइज्ड सिलेबस लिखा है एंड सिलेबस के अंदर भी बेटा जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जब तुम सिलेबस देखोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा ये सिलेबस तो सबने देखा होगा ना यहाँ पे कंजर्वेशन से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले का सारा डिलीटेड है नाउ आई थिंक आई हैव डिलीटेड फिर से बता दो मैम अरे <laughs> मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग इतने क्यूट क्यों हो यार चलो फिर से बता देती हूँ टेंशन नहीं लेना है ठीक है रश्मि मैम इज हर नो फियर चैप्टर खुल गया आई होप सो ये पूरा का पूरा पढ़ना है फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया यहाँ से लेकर के फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टॉपिक यहाँ से ले करके के हिमालयन यू इन ट्रबल वाला जो बॉक्स है अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ तक हमें नहीं पढ़ना है मतलब ये डिलीटेड है पढ़ना है लेकिन रटना वटना नहीं है ये डिलीटेड आ गया समझ में लबीबा अब जो बच्चे बाद में ये वीडियो देखेंगे ना इतनी गाली देंगे बोलेंगे मैम आपने किया क्या है स्टार्टिंग के पांच मिनट तो आपने सिर्फ हमें कहानियां ही बताई हैं ठीक <laughs> है लबीबा दिस वॉज ओनली फॉर यू आई हैव रिपीटेड इट गॉट इट एवरीबॉडी नाउ लेट इस जस्ट जम्प टू द जंप टू द मेन पार्ट विच इज इंट्रोडक्शन पार्ट अरे यार ये क्या हो रहा है ठीक है शुरू करें ओके सो इंट्रोडक्शन जो है ना आपका चैप्टर शुरुआत जो होता है वो एक फोक सॉन्ग से शुरुआत होता है अब तुम बोलोगे यार मैम ये भी पढ़ाओगे क्या आप पढ़ाऊंगी क्योंकि बेटा अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा वी यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ठीक है सो दैट इज वाई हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सो इन द पी डी एफ ऑल्सो इफ यू हैव द पी डी एफ इफ यू हैव द बुक यू कैन सी दैट द चैप्टर स्टार्ट विद द फोक सॉन्ग सो so, एक लेपचा कम्युनिटी होती है वेस्ट बंगाल की उसका एक फोक सॉन्ग है ये लोग रहते हैं नदन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है वेस्ट बंगाल तुमको पता है हमारा स्टेट है प्यारा सा ईस्ट में है लेकिन नाम वेस्ट बंगाल है ठीक है <laughs> उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जो मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में बताया तो वेस्ट बंगाल में ये कम्युनिटी है जो जो ना मतलब उनके फोक सॉन्ग के अंदर आप देखते हो हाउ मच दे लव नेचर ठीक है तो ये क्या बोल रहे हैं नरक माय लॉर्ड यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिपचार्ज हमारी जो दुनिया है लिपचार्ज की उसमें आप ही म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो आई लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू मैं अपने आप को आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ ठीक है मतलब भगवान को डेडिकेट करना चाहती हूँ लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स तो अब भगवान आप म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो आप म्यूजिक कहाँ से क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम द स्प्रिंग्स झरनों से फ्रॉम द रिवर्स नदियों से पहाड़ों से जंगलों से इंसेट से एनिमल से सो so, कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है इंडियन ट्रेडिशन है जो अलग अलग हमारी कम्युनिटीज़ हैं फोक कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने फोक सॉन्ग्स में अपने फोक स्टोरीज में हर जगह ही नेचर की इम्पॉर्टेंस को हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं ठीक है लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू सो व्हाट डज दिस होल सॉन्ग और द होल पीस विच हैज़ बीन टेकन इन योर चैप्टर डिपिक्ट दैट इंडियन एज पर द इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन ऑल द कम्युनिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड वी आर ऑल नेचर लवर्स क्लियर स मिस्टी ओके तो ये आपको बताया जा रहा है लेप्चा कम्युनिटी मतलब देखो ना इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं होंगे ना उनको भी पता है कि नेचर को संभाल के रखना है है ना नेचर का ख्याल रखना है वरना नेचर हमारा ख्याल नहीं रखेगी आपको इसके लिए लाइक like, आपने आजकल देखा भी होगा बेटा बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं सुना है आप सबने एंड दे आर ऑल लाइक ट्राइबल पीपल उन्होंने कितना कुछ किया है नेचर के लिए पौधे लगाए हैं वो सबसे बड़ा काम है अदरवाइज डेवलपमेंट जो है हमारा खोखला ही रह जाएगा सो वी शेयर दिस planet विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स येस आपके यहाँ पर कोई भी ऐसे एक लोकल मेरे को जानवर बताओ इंसेक्ट बताओ जो तुमको बहुत ज़्यादा दिख जाते होंगे एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जैसे मैं वैसे बिलोंग करती हूँ धनबाद को मैंने आज तक कभी बचपन से मोर नहीं देखा था बट वेन आई shifted टू कोटा now आई सी लाइक पिकॉक पिकॉक भी दिख जाता है कुछ पर्टिकुलर एरियाज है वहाँ आप जाओ आपको पिकॉक्स दिख जाएंगी एंड आई फाइंड इट सो मतलब सो ऑसम एंड अमेजिंग फीलिंग आई गेट ठीक है इट्स सो एक्सक्रूशिएटिंग एंड इट्स सो रेज्यूविनेटिंग सो दैट आई कैन सी पिकऑक विद माई दीज विथ माई आईज ठीक है तो ऐसा जरूर होता होगा डियर दिख जाता है किसी किसी को और क्या दिखता है आपके घर के इर्द गिर्द क्या दिखता है आपको लिजर्ट बहुत है समोज में ओ माई गॉड कुछ लोगों के घर के आसपास में ना लाइक तितलियाँ बहुत सारी दिखती होंगी कुछ पर्टिकुलर आपको पैरट्स दिखते होंगे किसी किसी के घर के आसपास आपको छोटे छोटे पिग्स के बच्चे भी दिख जाते हैं कहीं कहीं पे राइट डॉग्स दिखते हैं रैबिट दिखते हैं मंकी यस yes, मंकी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एनिमल्स जो बहुत ही कॉमनली दिख जाता है राइट येस yes, आयुष बिल्कुल सही बिल्कुल सही कैट्स दिखती हैं येस आज ही मेरे घर पे एक कैट आई है छोटी सी मोमो नाम है उसका ठीक है सम ऑफ माई फ्रेंड हैज कम टू कोटा शी वेंट फॉर शॉपिंग एंड शी लेफ्ट हर हीयर तो वो अपना मतलब कैट यहाँ छोड़ के चली गई। so, सो हमें हम बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ क्या कर रहे हैं प्लानट को शेयर कर रहे हैं बेटा इट्स नॉट जस्ट आर होम इट्स होम टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर हीयर वी ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम और इस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स वेब बना देते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का जिसमें हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ठीक है अब तुम बोलोगे मैम शेर को क्यों बचाने की ज़रूरत है राइट हम सुनते हैं ना सेफ टाइगर कैंपेन येस और नो तुम सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या में टाइगर कितनी बार यूज करते हो नहीं करते ना तो क्यों जरूरत है टाइगर बचाने की भाई सेव लायन शेर बचाने की क्या जरूरत है हम तो सुबह से लेकर शाम तक शेर और चीते और जो भी है अपना टाइगर बाघ तो नहीं यूज़ कर रहे ना क्या जरूरत है हमिंग बर्ड वट्स द नीड टू सेव ऑल दीज गाइज ऐसे ही बस सेव कर लो किसी ने बोला तो कर लेते हैं <laughs> क्या जरूरत है बताओ मुझे वॉट विल हैपन इफ यू डू नॉट सेव इट शे नहीं होगा तो गोट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ओके okay. फिर नो मैम इट्स इम्पोर्टेंट तो गोट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी क्या दिक्कत है फिर गोट सारे घास खा जाएगी राइट right? फिर वो सारे घास खा जाएगी तो फिर पौधे जो है वो कम हो जाएंगे तो एक्चुअली हम लोग इंटर डिपेंडेंट है दिस इज वॉट आई थिंक रोहित वॉन्ट्स टू से राइट इट बैलेंसेज द फूड चेन इट बैलेंसेज द होल इकोलॉजिकल सिस्टम द एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ गॉट इमेंस बायोडाइवर्सिटी अब हमें तो गोट और टाइगर के बारे में पता है तो हम इसका रिलेशन निकाल करके ले आए और हमने समझ लिया इसका क्या इम्पैक्ट है ऐसे कितने सारे जानवर हैं जो हमारे मतलब जानवर पेड़ पौधे छोटे छोटे कीड़े मकौड़े माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक स्पून ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा था ना ट्वेंटी मिलियन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमें क्या पता यार किससे क्या क्या चीज़ें कौन कौन से साइकिल चल रही है हम तो बस कुछ अनाज पैदा होता है घर में ले आते हैं पीस करके रोटी बना लेते हैं बट एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो सारा मतलब कुछ प्रोसेसेस हो रहा है जो इन पर डिपेंडेंट है ओके सो वी हैव गॉट इमेंस बायोडावर्सिटी एंड वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट इंटर डिपेंडेंट ऑन इच अदर द लिविंग बींग्स इन एन इको सिस्टम लेट मी जस्ट शो इट टू यू ऑल द लिविंग बींग्स इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ सर्वाइव ही नहीं करना है हमें ग्रो भी करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिपेंडेंसी इज नोन एज इंटरडिपेंडेंसी एंड टू समराइज दिस we can vary like uh, we can summarize this with this picture small picture हम सोसाइटी में रहते हैं ठीक है और सोसाइटी के अंदर हम जो भी काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं वो driven होता है इकोनॉमिक gains से राइट right? तुम भी पढ़ाई कर रहे हो या तुमने पौधे भी लगाए तो तुमने इन, environment बचाया क्यों इन्वायरमेंट बचाया अल्टीमेटली ही को रहना है उस इन्वायरमेंट के अंदर सो सोसाइटी इकोनॉमी इकोलॉजी वी ऑल दीज थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ओके So, यही आपको इनिशियली इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है और एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी अब इतने सारे जब लोग रह रहे हैं है ना तो कहां रह रहे हैं भाई इकोलॉजी इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी ठीक है हाँ बेटा मेरा इसका दूसरा लेक्चर भी है सिक्स थर्टी पे ओके सो so, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आपके बुक में बहुत ही फैंसी सा डेफिनेशन दिया हुआ है अगर आपके में से किसी के पास पी है तो यू कैन सी दिस बहुत ही लाइक like, बहुत ही शानदार सा डेफिनेशन दिया हुआ है अंग्रेजी शब्दों का एक खेल है ये बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटरग्रेटेड इन द सिस्टम थ्रू विच मल्टीपल नेटवर्क इंटरडिपेंडेंसीज नेटवर्क ऑफ इंटर आपको ये नहीं याद करना है, नहीं याद हो रहा है तो ठीक है आप सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस वराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बायो डाइवर्सिटी बायो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा बायो वर्ड का मतलब ही होता है लाइफ आपने पढ़ा होगा बायोटिक रिसोर्सेज ए बायोटिक रिसोर्सेज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ए बायोटिक का मतलब क्या होता है विदाउट लाइफ ठीक है तभी तो उसमें सॉयल आ जाता है वाटर आ जाता है फ्यूएल आ जाता है मतलब जो भी हमारे फॉसिल फ्यूएल्स होते हैं सो बायो वर्ड का मतलब ही होता है लाइफ अब लाइफ में डाइवर्सिटी इज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्लियर इट कैन बी यूज़ मोर स्पेसिफिकली टू रेफर ऑल द स्पीसीज इन वन रीजन और अ इकोसिस्टम अब हम बायोडाइवर्सिटी जो है ना रीजनली भी पढ़ सकते हैं कि भाई झारखंड में गए वहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी दिखी मुझे मैं नर्दर्न स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गई वहाँ पे बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी दिखा मुझे वहाँ पे मेरे को बहुत सारे फॉरेस्ट दिखे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखे इंसेक्ट्स दिखे लेकिन व्हेन आई केम टू बैंगलोर और व्हेन आई केम टू सम ऑफ द सिटीज़ आई कुड नॉट फाइंड दैट मच ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्लियर बायोटिक का मतलब होता है विथ लाइफ यस बेटा बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं इट दोज रिसोर्सेज विच हैज गॉट लाइफ विथ लाइफ बिल्कुल सही ओके येस ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ इन वन एरिया बिल्कुल सही आयुष ओके सो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट बैक्टीरिया एनिमल ह्यूमन ये पिक्चर के अंदर काफी कुछ आपको दिखाया जा रहा है राइट बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है प्लांट कम्युनिटी हैबिटेट ठीक है न्यूट्रिएंट्स मिनरल सोयल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल कम्युनिटी सब आ जाते हैं इकोसिस्टम क्या होता है ये एक जोग्राफिकल एरिया है वे प्लांट एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म एज़ वेल एज़ लैंडस्केप वर्क टुगेदर तो इकोसिस्टम में बायोटिक वाले सारे कॉम्पोनेंट तो आएंगे ही उसमें ए बायोटिक भी आ गए क्योंकि देखो आपने क्लास सेवन में भी पढ़ा होगा अटमॉसफेयर बायोसफेयर लिथोसफेयर हाइड्रोसफेयर एंड ये जो बायोस्फेयर हमने बनाया है ये विदाउट लिथोसफेयर विदाउट एटमोसफेयर विदाउट हाइड्रोस्फेयर नहीं बन सकता तो नेचर जो है ना वो इसी तरीके से क्रिएटेड है जितनी इम्पॉर्टेंस बायोटिक चीज़ों की है उतनी ही इंपॉर्टेंस ई बायोटिक चीज़ों की है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट एयर वाटर लैंड तो जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा इकोसिस्टम क्लियर से किसके बारे में बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और इको सिस्टम जब हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो बायोटिक है जिनमें लाइफ है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी और इको सिस्टम जल्दी से बताओ आई कैन सी योर कमेंट बायोडाइवर्सिटी वेरी गुड रोहित वेरी गुड श्री वेरी गुड संजीव माहेश्वरी निशा अनुष्का रिया एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट ईको सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम है बेटा है ना जिसमें हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ओके दैट्स ग्रेट लेट्स मूव फर्दर फ्लोरा एन फाउना ऑल दिस इज डिलीटेड वाला पोर्शन बट पढ़ना तो पड़ेगा शुरू करें अभी तक यहाँ तक सब क्लियर है इंट्रोडक्शन पार्ट यस ओके सो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम वर्ल्ड के काफी ज्यादा रिच कंट्रीज में आते हैं इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिटी अभी तो बहुत सारे हमारे स्पीसीज और बहुत सारे लाइक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हमने डिस्कवर ही नहीं किए हैं ठीक है अगर हम उन सबको डिस्कवर कर लें और सबको ऐड कर दें तो शायद हमारी पोजिशन और इम्प्रूव भी हो सकती है सो फ्लोरा रेफर्स टू ऑल द प्लांट लाइफ फोना रेफर्स टू ऑल द एनिमल लाइफ सो वी आर क्वाइट रिच राइट वेन इन वैन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरा एंड फोना बट एक प्रॉब्लम है छोटी सी प्रॉब्लम है लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू आर इनसेंसिटिविटी टू वॉट्स आर इन्वायरमेंट लेकिन आजकल फ्लोरा और फोना जो है बहुत स्ट्रेस्ड हैं मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है उनको सर्वाइव करने के लिए सोचना पड़ रहा है mm -hmm. क्यों क्योंकि हम बहुत इनसेंसिटिव हो चुके हैं इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स ठीक है अब इनसेंसिटिव होने का मतलब क्या है तो भाई हम जंगल काट देते हैं बिना सोचे समझे एक जंगल बनाने में जंगल काटने में कितना टाइम लगता होगा बताओ एक पूरे के पूरे जंगल को साफ़ करना है तुमको मैं पूरी टेक्नोलॉजी दे देती हूँ ठीक है टेक्नोलॉजी का तुम जितना मर्जी उतना यूज़ कर लो अब बताओ मुझे तुमको एक जंगल काटने में कितना टाइम लगेगा एक जंगल को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा थ्री डेज ओके वन डे सेवन डेज वी हैव नो फीलिंग्स फॉर एनवायरमेंट आशीष बोल रहे मैम वन आर यस मैक्सिमम यार आठ दस दिन बहुत होते हैं पूरा जंगल का सफाया किया जा सकता है लेकिन एक जंगल को क्रिएट होने में कितने साल लगते हैं बेटा हजारों साल लग जाते हैं है ना कितने साल लगते हैं तब जाकर के एक जंगल क्रिएट होता है इतनी अनॉर्मस वैरायटी ऑफ वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ आ पाते हैं ठीक है सो so, हम बहुत इनसेंसिटिव हो गए हैं एनवायरमेंट के टुवर्ड्स एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल आपको नहीं दिख रही हैं प्लांट्स में एनिमल्स में ठीक है टेन परसेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड फ्लोरा एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन थ्रेट लिस्ट पूरी की पूरी प्लांट कम्युनिटी में से दस प्रतिशत थ्रेटेंड लिस्ट में है ठीक है और अगर हम एनिमल्स की बात करें मैम रिप्रोड्यूसर यंग वन सो उसमें से ट्वेंटी परसेंट जो है वो भी थ्रेटेंड लिस्ट में है मेनी ऑफ दीज वु नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल दैट इज ऑन द वॉर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लाइक इफ आई आस्क यू ये जो फर्स्ट इमेज है इसका नाम क्या है अभी तुमको तुरंत पता चल जाएगा इसका इम्पैक्ट ठीक है ये जो फर्स्ट एनिमल तुमको दिख रहा है वाओ रोहित दैट्स ग्रेट इसका नाम क्या है चीता नाम है ओके okay. बाकी किसी को और कुछ नाम पता हो चीता अब रिया बोल रही है लेपर्ड चीता बोलो लेपर्ड भी बोलते हैं कई जगह लेकिन काफी सारे बच्चों को ये नाम पता भी नहीं होगा हो, हो सकता है तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन को शायद नाम पता भी नहीं हो क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्रिटिकल स्टेज में है हो सकता है हम में से किसी ने देखा भी ना हो राइट right? हमने सिर्फ चित्रों में ही देखा हो ये क्या है सेकेंड वाला क्या है ये है चीता वेरी गुड वट इज द सेकेंड वन सेकेंड वाला क्या है पिंक हेडेड डाक वेरी गुड एक बच्चे ने बता दिया ये तो मैंने कभी नहीं देखा है ना क्योंकि ये ऑलमोस्ट गॉन है खत्म होने वाले हैं ये खत्म हो चुके हैं या yeah, बहुत ही एक्सटिंक्ट वाले थ्रेटन वाले लिस्ट में है ऑन द वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन है एंड द थर्ड वन वट इज दिस थर्ड थर्ड वन वाले का नाम पता है आरजी टेक प्रो सिंह मैम आई हैव सीन चीता टू ईयर्स अगो वट इज दिस थर्ड वन अंडमान पिजिन है नो आशीष इट इज नॉट हमने देखा ही नहीं होगा ना ज्यादा तो हमें नाम कहाँ से पता होगा दिस इज माउंटेन क्वेल ठीक है फोर्थ वाले क्या है फोर्थ वाला जो है वो स्पॉटेड आउल है ओके okay? तो ये ऑलमोस्ट ऑफ एक्सटिंक्शन इतना कम है इनका पॉपुलेशन हम लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कई बार नाउ देर अ स्मॉल बॉक्स इन योर बुक जिसमें आपको बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट कैसे वैनिश हो रहा है ठीक है देखो डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया ट्री कवर इन कंट्रीज एस्टिमेटेड एट्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट लैक सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ऑफ़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया एंड हमें रखना कितना है फ़ॉरेस्ट कवर एज़ पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए किसी को पता है फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए मिनिमम वट शुड बी द मिनिमम फॉरेस्ट कावा थर्टी थ्री परसेंट यस अश्मित मतलब गायब होना गायब हो रहे हैं थर्टी थ्री परसेंट होना चाहिए था इसमें से डेंस फॉरेस्ट ट्वेल्व पॉइंट फोर परसेंट है ओपन फॉरेस्ट नाइन पॉइंट टू सिक्स परसेंट है मैंग्रोव है जीरो पॉइंट वन फाइव मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं ये तुम लोगों ने क्लास नाइन में भी पढ़ा होगा जो स्वैम्पी से रीजन में डेल्टास के आसपास पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, नाइनटीन द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज बाई थ्री नाइन सेवन सिक्स किलोमीटर सिंस ट्वेंटी तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात है भाई कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो गया तुम बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो रहा है पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बट एज पर द डेटा ऑफ 2017 फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो गया है हाउ एवर दिस एपरेंट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू द कंजर्वेटिव मेजर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन एंड प्लान एंड प्लांटेशन एट्रा बाई डिफरेंट एजेंसीज ठीक है तो हम अभी बेटर पाथ पे हैं इंक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट कवर लेकिन हम अभी थर्टी थ्री परसेंट वाले टारगेट को नहीं अचीव कर पाए हैं नाउ इसके टाइप्स क्या क्या हैं फ्लोरा एंड फोना के सो so, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आई यू सी एन जिसका हेड क्वार्टर ग्लैंड स्विटजरलैंड में है ये क्या करती है ये बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के लिए काम करती है ठीक है हाँ जी जिनकी रूट्स ब्रिदबल होती हैं नहीं बेटा डेटा वेटा नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा ये तो वैसे ही डिलीटेड है ना तो आई यू सी एन जो है ना बेटा वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये चाहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करें लेकिन सस्टेनेबली यूज़ करें आई का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अब आई के अकॉर्डिंग हमने स्पीसीज को ऐसे सिक्स पार्ट्स में कैटेगराइज किया है पोल्स नहीं है लेकिन अभी एक गेम है ठीक है जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल गेम छोटा सा एक गेम खेलेंगे ठीक है बहुत मजा आएगा आपको ओके सो सिक्स कैटेगरी है सबसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज फिर है इंडेंजर्ड फिर है वलनरीबल फिर है रेयर फिर है एंडेमिक फिर है एक्सटिंक्ट गायब हो गया, ठीक है अभी मेरे को बताओ आप सबने बफेलो देखा है देखा है किसने किसने बफेलो देखा है How many of यू have सीन ब How many of you have seen फेलोज ये एग्जाम में नहीं आएगा डिलीटेड है ये सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यू नेवर नो आपके स्कूल में पूछ लिया जाए सबने देखा है ठीक है एक बच्चा बस बोल रहा है नो नेवर आशीष नहीं नहीं देखो ना सबने देखा है कौन सा कॉमनली दिख जाता है तुमको ए वाला या बी वाला कौन सा बफेलो कॉमनली दिख जाता है बफेलो नॉर्मल स्पीसीज है लेकिन बफेलो के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं जो हो सकते हैं नॉर्मल ना हो ए वाला सबको दिखता है बी वाला नहीं दिखता क्या रीजन हो सकता है क्यों नहीं दिखता बी इज द रेयर वन ओके रेयर हो सकता है ये और क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलता हो राइट right? या फिर अर्बन सेटलमेंट से काफी दूर मिलता हो ठीक है एक पर्टिकुलर प्लेस मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता हो या फिर शायद हमें नहीं दिखता क्योंकि नॉर्मल वाली बफेलो आ जाती है हमारे इधर उधर कॉलोनी के अंदर लेकिन ये नहीं दिखती है ना ह्यूमन सेटलमेंट से काफी दूर रहता हो या तो चूजी हो पिकी हो कि नो आई विल नॉट गो टू दैट प्लेस आई जस्ट लिव इन दिस प्लेस राइट आई वंस मैम उसके हॉर्न के लिए उसका शिकार करा जाता हो ओ oh, पोचिंग ठीक है चलो ये भी हो सकता है उसका हैबिटेट खत्म हो गया हो हमने काट दिया हो जंगल अच्छा पिग सबने देखा है पिग कौन सा पिग दिख जाता है तुमको नॉर्मली एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वो डिफरेंस वाला देखते थे ना न्यूज़पेपर में आता था डिफरेंस बताना है आपको ए और बी में डिफरेंस बताना है क्या डिफरेंस है क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है चार्ट आगे तो दोनों की दिख रही है मुझे ए वाला कॉमनली दिख जाता है ठीक है ये कॉमन है स्पॉट द डिफरेंस डिफरेंस स्पॉट करो ए के बाल नहीं है ओके okay, ये एक डिफरेंस है यहाँ ऊपर ऐसे वाले बाल नहीं है ठीक है दूसरा बताओ एक वाइल्ड है बी हैज हेयर ऑन द टॉप यस अश्मिता आई हैव इट दिस इज वन डिफरेंस एंड एनीथिंग एल्स किसी में भी नहीं है यार ये कौन सा बच्चा है हॉर्न दिख रहा है उसको ए थोड़ा फैट है <laughs> और बी थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जिम विम जाता है राइट ऐसा एक की टेल छोटी है यस इसकी टेल छोटी है इसकी टेल लंबी है राइट तो ये थोड़ा वो वाला स्पीशीज़ है जो नॉर्मल नहीं है आया समझ में नॉर्मल स्पीशीज क्या होगा जो तुम कॉमनली तुमको दिख जाता होगा अभी डॉग्स हैं कितनी सारी डॉग्स की ब्रीड होती है ना ये सर नो लेकिन तुम्हारे घर के अगल बगल में जो गली में जो आपको डॉग्स दिखते हैं और कुछ डॉग्स वर्टिकलॉ ब्रीड के होते हैं वो नॉर्मल नहीं भी हो सकते हैं राइट हाँ माउथ में भी डिफरेंस है ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं येस yes, यहाँ पर इसके माउथ में कुछ यहाँ पे ऐसा है इसके माउथ में मुझे नहीं दिख रहा ठीक है सो नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होती हैं हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल साल पाइन रॉडेंट्स एक्सेट्रा आपके घर के इर्द गिर्द में जो भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो भी जानवर दिख रहे हैं जिनका पॉपुलेशन इतना है कि वो नोटिसिबल है दिख जाता है हमें दैट इज़ नॉर्मल ओके इन डेंजर्ड स्पीसीज दो स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज आर ब्लैक बक ब्लैक बक आपको कुछ याद आता है ब्लैक बक सुनते हो तो कुछ केस हुआ था ब्लैक पॉक्स से रिलेटेड कभी एक बार एक मूवी थी हम साथ साथ हैं उसकी शूटिंग वूटिंग चल रही थी है ना जोधपुर में तो ऐसा सुनने को आया वहाँ पे ब्लैक बक जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है ठीक है ओके क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब हर जगह क्रॉकोडाइल नहीं मिलेगा हम्म hmm. right? क्रोकोडाइल वैसे हमें सुनने में तो लगता है कि नॉर्मल स्पीसीज है लेकिन तुम्हारे घर के बगल में मिल जाता है क्या तुमको नहीं मिलता ना तो ये इनडेंजर्ड है इंडियन वाइल्ड एस इंडियन राइनो ये वाला जो राइनो है ठीक है लायन टेल्ड मैक सांगाई ये सारी के सारे जो है इनडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब ये डेंजर ऑफ एक्सटिंगशन में है देन वी हैव वल्नरेबल स्पीसीज वल्नरेबल क्या है दीज आर स्पीसीज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स that is likely to move into endangered category in the near future if it continues to decline in the same manner vulnerable का मतलब क्या होता है prone to prone to extinction ठीक है मतलब अगर कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है और अगर ये मर गए तो इनका पॉपुलेशन इतना कम है कि वापस ये अपने आप अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज भी नहीं कर पाएंगे ये अगर और पॉपुलेशन में कम हुए तो इंडेंजर्ड की लिस्ट में मतलब इंडेंजर्ड uh, से तो कम ही है इनका पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट में चले जाएंगे ठीक है सो so इसमें कौन सा आता है ब्लू शिप अब ब्लू शिप का मतलब ये नहीं है कि ब्लू दिखता होगा ये ब्लू शिप जो है ना माउंटेन्स में पाया जाता है ये वाला शिप वैसे नॉर्मली अगर हम शिप देखते हैं शिप की पिक्चर हमारे दिमाग में वो भेड़ ही याद आते हैं है ना लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वाला ब्लू शिप है एशियाटिक एलिफेंट गैंगटिक डॉल्फिन ये सब के अंदर आ चुके हैंजर्ड और वलनरेबल कैटेगरी ऑफ दिवक्स अफेक्टिंग रेयर स्पीसीज का मतलब होता है बेटा कि ये वैसे ही पॉपुलेशन में कम है पाए ही नहीं जाते रेयर है ये रेयर रेयर है तो ऑब्वियसली इनको तो बचाने की जरूरत है ही वनरेबल वाले रेह नहीं है ये वलनरेबल वाले वलनरेबल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी एक्टिविटीज की वजह से हुए हैं इनका पॉपुलेशन कम हुआ मे बी इनका जो भी हैबिटेट था हमने ख़त्म कर दिया तो ये रह नहीं पाए जिंदा समझ आ रहा है इनडेंजर्ड वो हैं जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में हम धीरे धीरे इनका भी हैबिटेट खत्म कर रहे हैं मे बी इसलिए ये नहीं दिख रहे हैं क्रोकोडाइल पहले जितने होते थे उतने थोड़ी आज के टाइम पे हैं क्यों क्योंकि जितनी भी नदियाँ वदियाँ होती होंगी या तालाब होते होंगे जहाँ ये रहते होंगे वो सब तो हमने ख़त्म कर दिए हमने वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बना दिया इंडस्ट्री बना दी कुछ ना कुछ बना दिया ठीक है वल्नरेबल वाले कौन से हैं जिनका अभी जिनका हैबिटेट हम कम कर रहे हैं एक टाइम के बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे एंड रेयर जो है ना ये नेचुरली ही कम है नेचुरल इनका पॉपुलेशन ही कम है भगवान ने बनाए ही गिन चुन के हैं इनको जैसे हिमालयन ब्राउन बियर वाइल्ड एशियाटिक बफेलो डेजर्ट फॉक्स हॉर्नबिल होते ही कम हैं ठीक है तो ये तो वैसे ही रेयर स्पीसीज हैं इनको तो बचाने की ज़रूरत है ही एंडेमिक स्पीसीज दीज आर स्पीसीज विच आर फाउंड मोनली इन फाउंड पर्टिकुलर एरियाज कैंगरोज़ कहाँ पर मिलते हैं तुमको बताओ कैंगारोज़ कहाँ पे मिलते हैं Where do we find kangaroos? Australia? अगर कैंगरूस ऑस्ट्रेलिया में खत्म तो gone पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये वाइल्ड एशियाटिक बफेल्लो है है ना जो कि मिलता नहीं है हमें बहुत रेयर है ये ये नहीं मिलेगा ये इसीलिए तुम घर के बाहर बफेलो देखते होगे लेकिन ऐसे वाले नहीं देखते होगे इनका पॉपुलेशन ही कम है वाइल्ड एशियाटिक बफेलो ठीक है ऐसे ही एंडेमिक जो है उसमें आता है आपका अंडमान टील निकोबार अंडमान वाइल्ड पिग ये वाला जो मैंने पिक का आपको फोटो दिखाया था ना ये सिर्फ अंडमान में ही दिखते हैं आया समझ में तो ये अंडमान से खत्म मतलब दुनिया से खत्म ठीक है मिट्टुन अरुणाचल प्रदेश ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही ये जानवर मिलेगा वहां से खत्म दुनिया से खत्म एक्सटिंक्ट स्पीशीज दीज species may be एक्सटिंक्ट from अ लोकल एरिया रीजन कंट्री कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ ये वो हैं जो खत्म हो चुके हैं गायब हो चुके हैं एशियाटिक चीता आजकल नहीं दिखता पिंक हेडेड डक जो है ये खत्म हो चुकी है इसलिए इसकी पिक्चर लगानी पड़ी मुझे क्योंकि इसकी रियलिटी वाली पिक्चर है इन रियल लाइफ वाली खत्म हो चुके हैं ये आया समझ में ये तो ये तो था हमारा सारा का सारा डिलीटेड पोर्शन जो हमने आज कवर किया अब जो हमारा सिक्स थर्टी पर जो सेशन है वहाँ से हम एक्चुअल में जो चैप्टर आने वाला है वो कवर करेंगे ये क्यों पढ़ा दिया क्योंकि बेटा वी नेवर नो कभी कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो है ना अब जिन बच्चों ने आज तक नहीं अभी तक कॉम्बैट के लिए नहीं किया है रजिस्टर या आज तक कभी कॉम्बैट दिया नहीं है बस सुना 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 है नाम तो बेटा इस बार पहली बार आपको गारंटेड स्कॉलरशिप टेस्ट मिल रही है मतलब सिर्फ आप एग्जाम दो आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी कभी तुमको स्कॉलरशिप मिली है स्कॉलरशिप मिलती है ना एक अमेजिंग फीलिंग होती है मुझे ना एलेवेंथ और ट्वेल्थ में स्कॉलरशिप मिली थी ठीक है स्कूल फीस माफ़ कर दिया गया लेकिन स्कूल बस की फीस देनी पड़ रही थी ठीक है <laughs> तो मेरे मम्मी पापा बहुत हैप्पी हुए कि वाह यार इतना बच्चे को पढ़ाया लिखाया सिर्फ स्कूल बस की फ़ीस लगेगी पूरे साल वाह कितना अमेजिंग है तो बच्चों स्कॉलरशिप जब तुमको मिलती है ना तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं तुम्हारे छोटे भाई बहन को भी इंस्पिरेशन मिलता है ये तो गारंटिड स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें ज़रूर मिलेगा तुमको स्कॉलरशिप राइट एंड आपको टेन लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी लकी पार्टिसिपेंट्स को अलग से रिवॉर्ड्स मिलेगा आपको लैपटॉप मिल सकता है गे वाली साइकिल मिल सकती है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है एंड ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल जाएगी कहाँ आप स्टैंड कर सकते हो सो ट्वेंटी सिक्स इलेवन ट्वेंटी सिक्स इलेवन ट्वेंटी सिक्स जून को इलेवन ए एम पे ये एग्जाम है आर एस वाई टी कोर्स से एनरोल कर सकते हो बहुत सिंपल सा स्टेप है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो उसमें आप अपना गोल सेलेक्ट कर लो नाइन या टेन वहाँ पे सेल्फ स्टडी का एक टैब आता है ठीक है और वहाँ पे फिर टेस्ट पे जाओ कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लो या फिर ये जो चैट दिख रहा है तुमको अभी लाइव चैट में नाइन और टेन के कॉम्बैट का लिंक दे रखा है कुछ नहीं करना आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है ठीक है वो लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक कोड मांगा जाएगा आर एस वाई टी रश्मि सिंह योर टीचर मेरा कोड है लगा लो जो क्या क्या प्राइजेस मिल रहे हैं यार लैपटॉप स्मार्टफोन गेयर वाली साइकिल स्पीकर हेडफोन्स गिफ्ट वाउचर्स क्या चाहिए और तुमको जिंदगी में मैं सोच रही हूँ मैं भी एग्ज़ाम दे देती अगर मैं छोटी होती ना तुम्हारे क्लास में डेफिनेटली आई वुड हैव गिवन दिस एग्ज़ाम बेटा वाटर रिसोर्सेज का लेक्चर है ना एक वन शॉट में पढ़ाया हुआ है आप जाके वीडियो में सर्च सर्च करो मिल जाएगा रिया ठीक है सो so, आपको गिफ्ट ऑर्डर्स मिलेंगे डेफिनेटली यू ऑल शुड गिव दिस एग्जाम अगर अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है लेकिन आपको मजा आ रहा है स्पेशल पे पढ़ने में यूट्यूब पे पढ़ने में प्लस पे पढ़ने में और भी ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आती है क्योंकि बहुत सारे पोल्स होते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं आप टीचर से लाइव बात कर सकते हो एंड मेरा नया कोर्स नाइन्थ के लिए लॉन्च हुआ है अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे नए बैच कोर्सेज क्लास टेन के लिए भी लेकर आ रही हूँ तो फटाफट से आ जाओ बच्चों सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं आपके केमेस्ट्री बायोफिजिक्स मैथ्स एस एस टी हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट्स एट वन प्लेस फ्रॉम द एक्सपर्ट एडुकेट ऐसा भी नहीं है एक ही टीचर सब पढ़ा रहा है हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं सबकी क्लासेस आप अनलिमिटेड एक्सेस है अटेंड कर सकते हो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर स्टूडेंट्स आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो उनसे बात कर सकते हो क्लास में पोल्स ले सकते हो डाउट्स पूछ सकते हो ओके एंड मैं पढ़ाती हूँ मंडे वेडनजडे एंड फ्राइडे को सेवन पी पे आपकी स्पेशल क्लास होती है कम्युनिटी पर आपको नोट्स मिलेगा कम्युनिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फॉलो कर लो मेरी कम्युनिटी अन लर्निंग ऐप पर कुछ अच्छा लगा तो आप रिपोर्ट कर सकते हो कुछ बुरा लगा तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो ठीक है थैंक यू सी यू ऑल एट सिक्स थर्टी पीएम ठीक है सिक्स थर्टी पी एम पर नेक्स्ट क्लास है लेट्स क्रैक